व्यस्त आज की वीडियो पाकिस्तानी ड्रामों के मिसिंग अदाकारों के पार्ट 4 पर बनाई गई है। ये अदाकार जिन पाकिस्तानी ड्रामों से लिए गए हैं उन ड्रामों के नाम ये हैं: जंजालपुरा, राहें, उड़ान, जर्द दोपहर, नसीब, कासमी कहानी के खेल, सन्नाटा, बंधन, शेरी एंड जोजी और सोना चांदी। इन फनकारों के नाम सुमेरा यूसुफ, इरफान अहमद उर्फी तशफीन, सरफराज राणा, रेहाना कलीम, इरफान मोतीवाला, मुबीना मुजफ्फिर और जेबा अली हैं। और जिन व्यूज ने इन फनकारों के बारे में मालूमात फराहम की उनके नाम एजाज अली, वलीद एजाज, सानिया आमिरबाज, काफ काफ और एम ए। आप सबके तावुन का बहुत शुक्रिया। नहीं बेगम साहबा, तुम्हें कैसे पता? अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पता चल जाता। चांदी मुझसे तो क्या, किसी से भी कोई बात नहीं छुपा सकती। सेब खाओगी? किसी से आज बिगड़ी है जो वो यूं बन के बैठे हैं। अजी कैसे तीर अंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। मैंने कहा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये तो नूरे ने उसकी दम पे पांव रखा था, उसने पंजा तो मारना ही था। पंजा मारना हमें भी आता है जुरह, हम उसकी सारी शौकी निकाल देंगे। क्यों जारी? हाँ, या फिर 2-3 लाख रुपए कैश हैं और कुछ जेवरात हैं। यार लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फौरन शुरू हो जाओ। और उसने ये भी तो कहा था कि तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मोजर है, लेकिन ये तुमने सुना ही नहीं होगा। वो बड़े डाढ़े लोग हैं, उन्होंने अपने सगे दामाद को माफ नहीं किया। तुम किस खेत की मूली हो? वो मूलियों से याद आया, बाय द वे वो आजकल बाजार में मूलियां आ गई हैं। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें ये कहा था कि अच्छा क्या फरी कम नंबर लिए हैं, जो बाकी नंबर बच गए हैं ना वो तुम्हारे किसी फ्रेंड के काम आ जाएंगे। लेकिन ये सब झूठ है अम्मी, उन्हें दुबई से चीजें और पैसे आते हैं। पड़ोसी और रिश्तेदार चलते हैं तो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। वो तो बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं अम्मी। ठीक है अम्मी, आइंदा मैं आपकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। कल वाली बात अगर आप अब्बू को बता देती मैं तो अपनी नजरों में गिर जाती। आजकल मैं एक उकाब अपार्टमेंट्स के इश्तिहार के सिलसिले में मसरूफ हूँ। पागल हो गए मुझसे कह रहे आप उड़ती हुई आएंगी और उकाब अपार्टमेंट्स के मालिक के कंधों पर बैठेंगी। एग्जाम के बाद मैं भी मम्मी को हज पे भेजूंगा इंशाल्लाह। उनका अरमान और मेरा फर्ज दोनों ही पूरे हो जाएंगे। ओह, बातों बातों में पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया है। मम्मी मेरा ख्याल है मुझे निकलना चाहिए, वरना वहां मम्मी से डंडे पड़ेंगे और इनफैक्ट डिनर पर भी जाना है। मैं निकलती हूँ, ठीक है? घर न सिर्फ वो सेफ है
बल्कि सुकून से भी रह रही है। ये जगह शहर से दूर भी है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। यहाँ तो बेचारी व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर बनाई गई वीडियो के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर।